दिल्ली में राहुल गांधी भारतीय यूथ कांग्रेस की युवा क्रांति यात्रा का समापन भाषण दे रहे थे। सत श्री अकाल, वड़कम, नमस्कार से भाषण शुरू किया। लेकिन तुरंत अपने संबोधन का रुख चुनावी एजेंडे की ओर मोड़ दिया। सियासी रण में फिर से राफेल को उड़ाया और अब की बार हवाला दिया गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का, जो डील के वक्त रक्षा मंत्री थे। कल मैं पर्रिकर जी से मिला, पर्रिकर जी ने स्वयं कहा था कि डील बदलते समय प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा। भैया वो क्या लिखता है वहां पे? राफेल डील में पर्रिकर को हथियार बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप है कि मनोहर पर्रिकर को अंधेरे में रखकर बदलाव किया गया। दिल्ली में इधर राहुल ने राफेल पर पर्रिकर का नाम लेकर दावा ठोका, उधर तुरंत बाद पर्रिकर ने अपना लिखित बयान जारी कर राहुल के आरोपों पर वज्रपात कर दिया। आपने मेरा नाम लेते हुए कहा कि राफेल डील के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मुझे दुख है कि आपने इस मुलाकात का इस्तेमाल अपनी तुच्छ सियासत के लिए किया। 5 मिनट की मुलाकात के दौरान आपने न तो मुझसे राफेल के बारे में कोई बात की, न ही हमने इस पर कोई चर्चा की। गलत बयान देकर आपके दौरे की नियत पर भी मुझे शक हो रहा है। पर्रिकर के लिखित बयान में बेहद गंभीर खुलासे के बाद राहुल का दांव उन पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है। ये भी तय है कि बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। युवा क्रांति यात्रा में राहुल ने राफेल डील के वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के उस तथाकथित बयान का भी जिक्र किया, जिसे वो पहले भी बता चुके हैं। प्रधानमंत्री पर राहुल का हमला इतने पर ही नहीं रुका, दुनिया को मोदी के रात के सपने के बारे में भी बताया। मैं समझता हूं कि रात को आपको नींद नहीं आ रही, मैं जानता हूं कि जब आप सोते हैं रात को आपको अनिल अंबानी की फोटो दिखाई देती है। मैं जानता हूं जब आप सोते हैं आपको राफाल हवाई जहाज की फोटो दिखाई दे रही है। मैं जानता हूं जब आप सोते हैं आपको हिंदुस्तान के वायुसेना की शहीदों की फोटो दिखाई दे रही है। 2019 के सियासी महाभारत में आज एक नया अध्याय जुड़ चुका है। अब तक जो राहुल राफेल पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उनके आरोपों पर पर्रिकर का बयान बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है।